सिद के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। चौंतीस रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया, तीन मशीर भी काबीना में शामिल। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर कायम-ए-मकाम सदर हल्फ लिया। वफाकी वज़रा में शाजिया मरी, नवीद कमर, तारिक बशीर चीमा, असद महमूद, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक, शरी रहमान, अब्दुल्कादिर पटेल, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मौलाना अब्दुल वासे, मरियम औरंगजेब, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, अमीन हक, फैसल सब्जवारी, जावेद लतीफ, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्ला, शाहजैन बुक्टी, मुफ्ती अब्दुल शकूर, साजिद तोरी, आबिद हुसैन भाइयों, मुर्तजा महमूद शामिल, हिना रब्बानी खर, अब्दुलरहमान कांजो और आयशा गौस पाशा ने बतौर वजीर मुमलिकत हल्फ उठाया। नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 9, जेयूआई 4 और एमक्यूएम के 2 वजीर हैं। तरीन ग्रुप भी मरकजी धारे में शामिल। तरीन ग्रुप के रुकन मोहम्मद ऑन चौधरी को वज़ीर आज़म का एडवाइज़र मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। ऑन चौधरी मुशीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं। नए वज़ीर आला के इंतखाब के बावजूद पंजाब में डेडलॉक बरकरार। गवर्नर पंजाब न मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। हमजा शहबाज ने हल्फ बरदारी की तकरीब ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी। मौकिफ अपनाया, गवर्नर पंजाब आइनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। इकदामात आइनी अहकामात से रुखगर्दानी और पार्लियामेंट की रुख की तस्दीक के मुतरादिफ हैं। अदालत गवर्नर को नए वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने के अहकामात जारी करें। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने का एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, इसका क्या करेंगे। अनवर मंसूर बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है जबकि केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा गया, नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में किसी किस्म की ताखीर से रोका जाए। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में कराई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया जाए। पाकिस्तानी रुपए को झटका, अमरीकी करेंसी की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे इजाफा। डॉलर की नई कीमत 183 रुपये 65 पैसे हो गई। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। इब्तदा में मंदी के बाद 100 इंडेक्स में मस्बत रुझान गालिब। इंडेक्स 46,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पैसे देखकर तोहफे मेरी मलकियत हो गए, मेरी मर्जी बेचूं या रखूं। इमरान खान का तोशाखाना से चीज़ें लेने का इतराफ़। कहा, तोशाखाना से चीज़ें 50% कीमत अदा करके ख़रीदी। एक गैर मुल्की सदर ने घर आकर तोहफा दिया, वो भी जमा करवाया। इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई जिसमें इलेक्शन वाली तजवीज़ पर इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त हल्का बंदियाँ ना करके नाअहली का मुजाहरा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आजाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। इमरान खान का शहबाज शरीफ पर सियासी इंजीनियरिंग का भी इल्जाम। एतराफ़ किया, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी। फरा के पास ओहदा था ना वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है।
तुम्हारे तोहफे तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के और मर्जी भी रियासत की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जवाब, कहा अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो, आपकी जाली हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान का एक और झूठ और साजिश बेनकाब हो चुकी, सैकड़ों जाली अकाउंट्स और बोर्ड्स के जरिए झूठ फैलाया गया। कौमी असम्बली में डेप्टी स्पीकर का अहदा JUI को मिल गया। जाहिद अकरम दुरानी को डेप्टी स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कौमी असम्बली में डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। डेप्टी स्पीकर का इंतखाब कल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का आसिफ जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर, दोनों रहनुमाओं ने कहा ना अहल इमरान खान इख्तदार से हटते ही बौखलाहट का शिकार हो गया, दोनों का मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। पंजाब असम्बली में हंगामा राय की रिपोर्ट मुस्तरद, डेप्टी स्पीकर दोस्त मिजाज ने गवर्नर को पेश की जाने वाली रिपोर्ट को रद्द कर दिया। कहा सेक्रेटरी असम्बली समेत चार अफसरान को गुज़श्ता रोज मुअत्तल कर चुका हूँ, मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकता है। सेक्रेटरी असम्बली को पंजाब असम्बली में हंगामा राय और दीगर मामलों में गफलत पर मुअत्तल किया गया था। डिप्टी स्पीकर को पंजाब असम्बली के अफसरान मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं दिया गया था, दोस्त मजारी ने इख्तियारात से तजावुज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी चुप ना रहे, कहते हैं अदालती अहकाम के मुताबिक डिप्टी स्पीकर को सिर्फ वजीर आला के इंतखाब के लिए इंतजामी मामलात की हद तक इख्तियार हासिल था। पंजाब असम्बली के अफसरान की मुअत्तली के उनके अहकाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, तमाम अफसरान बहाल हैं क्योंकि वो मुअत्तल ही नहीं हुए। नौ मंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अलीम खान के घर आमद, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा असम्बली में जो कुछ हुआ, वर्दी में मुलव्वस गुंडों ने असम्बली के तकद्दस की धज्जियाँ उड़ाईं, परवेज़ इलाही के झूठ का पर्दाफाश किया गया, हल्फ का मरहला नामुकम्मल करने पर नून लीग का कानूनी चाराजोई का फैसला। पंजाब असम्बली में लोटे आए कहाँ से, अंदर किसने घुसने दिए, वीडियोस सामने आ गईं। लोटे बड़े बड़े बॉक्सेस में असम्बली की लॉबी में लाए गए। वज़ीर आला के इंतखाब के रोज लोटों से डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाया गया, लोटे ईवान के अंदर मेज पर रखने के साथ हवा में भी उछाले गए। सरदार उस्मान बुज़दार कैसे मुस्ताफ़ी हुए, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उस्मान बुज़दार को इस्तीफे की तस्दीक के लिए 1 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुलाया गया। चौधरी सरवर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना चाहते थे। मियां महमूद रशीद ने गवर्नर से उसी वक्त इस्तीफ़ा मंजूर करने को कहा। काफली के अहम रहनुमा भी गवर्नर हाउस पहुँचे। चौधरी सरवर ने इस्तीफ़ा मंजूर करने पर भरपूर मुज़ाहमत की। वज़ीर आज़म के हुक्म पर फिर इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया, नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। अगले रोज़ गवर्नर को असम्बली इजलास बुलाने का कहा गया। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को कहा कि वो इस्लामाबाद आकर उनसे बात करेंगे। चौधरी सरवर ने इमरान खान को फौरी इस्तीफ़ा ना लेने के लिए कायल करने की कोशिश की, नाकामी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली, सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, 33 वोट हासिल किए। असम्बली पहुँचने पर कार्टनों की जानिब से इस्तकबाल, सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद ने नए वज़ीर आज़म से हल्फ भी ले लिया। ऐवान से खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाने में ताखीर करते तो अपोजिशन ले आती, महाजरीन के मसाइल हल करेंगे। इमरान खान की जानिब से जस्टिस काजी फ़ायज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस को गलती करार देने से मुतालिक साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़िरोग़ नसीम की वजाहत, कहा इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता मगर हक़ायक़ की तस्हीह ज़रूरी है, समरी भेजना हसास मामला था, इमरान खान ने खुद रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया था। एसेट रिकवरी यूनिट बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत था, 3 साल वज़ीर क़ानून के दौर में मुश्किल से भी दो चार रहा, अदलिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्र रहमत, इस्लामाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, खानीवाल समेत कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। कालाश वैली, बरोहल के बालाई मकामात और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। पाकिस्तानी नयाद, बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को लंदन में लूट लिया गया। आमिर खान ने ट्वीट किया, दो आदमियों ने बंदूक की नोक पर घड़ी चीनी। वाकई में दोनों मियां बीवी महफूज रहे। वाकया पीर के शब मशरकी लंदन के इलाके ल्यूटन में पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउला और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि ऐवान सदर में 34 रुकनी नई वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब में वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने काबीना रकीन से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9, एमकेएम पाकिस्तान के 2, जमीयत उलमा इस्लाम के 4 अरकान शामिल हैं। इसके साथ साथ हल्फ उठाने वालों में 31 वफाकी वज़रा, 3 मुशीर और 3 वज़राए मुमलिकत भी शामिल हैं। डॉक्टर आयशा गौस पाशा, हिना रबानी खर और अब्दुर्रहमान कांजू ने वज़राए मुमलिकत का हल्फ उठाया। साथ ही साथ शाहजैन बुकटी, ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, साद रफीक, अयाज सादिक, राना सदाउल्ला, मिफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ, रियाज पीरजादा, मुर्तजा जावेद अब्बासी, आजम नज़ीर ताड़, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी और साथ ही साथ मुर्तजा महमूद, साजिद तूरी, एहसान मिजारी, आबिद हुसैन, असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद, अमीनुल हक, फैसल सब्जबारी, इसरार तरीन और तारिक बशीर चीमा भी वफाकी काबीना में शामिल हैं। बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, बताइएगा कितने वफाकी वज़रा ने हल्फ उठाया है, कौन कौन इसमें शामिल है? खासतौर पर बिलावल भुट्टो का बताइएगा कि वो क्या अगली किस्त में हल्फ उठाएंगे अब? जी देखिए, ईवान सदर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें आज वफाकी वज़रा ने हल्फ लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से 14 वफाकी वजीर बने हैं जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से 9 वफाकी वजीर जो हैं वो काबीना में शामिल हुए हैं। जबकि JUI के 4 अरकान हैं, MKM के 2 हैं और शाहजैन बुख्ती के अलावा जो बाप पार्टी के लोग हैं वो भी इस काबीना का हिस्सा है। ईवान सदर में आज आरफ अलवी की बजाय सादिक संजरानी ने इनका हलफ लिया क्योंकि आरफ अलवी की तबीयत नासाज थी और उन्होंने गुज़श्ता रात आगाह कर दिया था कि वो तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे, इसलिए सादिक संजरानी जो है वो तकरीब हलफबरदारी में शरीक होंगे और वही उनसे हलफ लेंगे। लिहाजा आज जो है वो 34 रुकनी जो वफाकी काबीना है उसने हलफ उठाया जिसमें 3 वज़राए मुमलकत हैं जबकि 3 मशीर जो है वो भी इस काबीना का हिस्सा हैं। इस तरह ओवरऑल जो है वो 37 अरकान पर मुश्तमिल ये वफाकी काबीना है जिसमें तमाम सियासी जमातों को शमूलियत की गई है जिसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं खासकर उनकी भी नुमाइंदगी की गई है। दूसरा सवाल ये था कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वफाकी वज़रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये पहली फहरिस्त आई है, पहली लिस्ट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम तो पहले लिया जा रहा था। उनको वफाकी उनको वजीरे खारजा जो है बनाने की ऑफर भी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और बड़ी हद तक उन्होंने इसको कबूल भी किया था, लेकिन ऐन मौका पर उनका ये मौका था कि वो फिलहाल जो है वो काबीना में शामिल नहीं होंगे और जो आइंदा लिस्ट आएगी, जो दूसरी लिस्ट होगी, उसमें शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। तहम अब जो है वो